बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फाइल खोलते हैं जिसमें हमारा स्विच वन का प्रोग्राम है। फाइल ओपन, देखिए मेरे पास स्विच वन डॉट सी के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। देखिए मेरे पास स्विच वन प्रोग्राम खुल गया है। F5 करके देखिए, मैं इसकी स्क्रीन फुल कर लेता हूं। यहां पे आपके पास वही प्रोग्राम है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले मेरे पास हेडर फाइल्स हैं, फिर वर्ड मेन, एक हमने इंटीजर लिया है चॉइस, उसके पश्चात प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हैं जो यहां पे आपके यहां से लेके यहां तक अवेलेबल हैं। फाइनली जो भी चॉइस आप देंगे उसको स्कैनएफ के द्वारा चॉइस वेरिएबल में डाल दिया जाएगा। हमारा मुख्य सेगमेंट यहां स्विच से शुरू होता है। इस ब्लॉक पे यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले यहां पे चॉइस को पास कर दिया गया है स्विच में। जो वैल्यू यूजर चॉइस में देगा उसके अकॉर्डिंग केस को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जैसे हमने पहले भी जानकारी ली। और यदि कोई भी चॉइस, यदि कोई भी ऐसा नंबर जो केसेस से मैच नहीं करेगा, उस केस में डिफॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ फाइनली हम गेट सीएच लगाकर अपना प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं, वर्ड मेन क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए आपके पास सबसे पहले आपके पास प्रिंटिंग मैसेजेस जो थे वो अवेलेबल हो गए हैं, जिसपे प्रेस 1 फॉर विड्रॉल, प्रेस 2 फॉर डिपॉजिट, 3 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, 4 फॉर मिनी स्टेटमेंट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इन मैसेजेस को पहले डिस्प्ले करवाया है ताकि यूजर को ये पता लग जाए कि उसे क्या एंटर करना है और वो किस ऑप्शन के लिए एंटर कर रहा है। मान लीजिए हाँ, मैं 1 एंटर कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नाउ यू कैन विड्रॉल योर मनी। इसका अर्थ यह है कि जब मैंने 1 चॉइस में एंटर किया, चॉइस वेरिएबल ने डिटेक्ट किया, स्विच ने उस चॉइस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट केस सिलेक्ट करके दे दिया। अब देखिए यहाँ पे नाउ यू कैन विड्रॉल योर मनी जो आउटपुट है ये केस 1 का है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ दोबारा, फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ। मान लीजिए 4 एंटर करता हूँ यहाँ पे, मैं फिर से एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब की बार देखिए फोर्थ ऑप्शन अर्थात फोर्थ केस सिलेक्ट किया गया है, फिर से एंटर, मैं फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ। अब की बार मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेता, मैं 5 एंटर कर देता हूँ, रॉन्ग ऑप्शन का मैसेज अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार हम स्विच का प्रयोग कर सकते हैं जब हमारे पास काफी सारी चॉइसेस अवेलेबल हो, उन सभी चॉइसेस को केसेस में कन्वर्ट करके। अब हम यहाँ स्विच 2.c को देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं स्विच का। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फिर से 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई है। वर्ड मेन ब्लॉक को ओपन कर दिया गया है। यहाँ हमने इंटीजर चॉइस के स्थान पर करेक्टर चॉइस लिया है, अर्थात अब की बार हम चॉइस में करेक्टर स्टोर करना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस यहाँ डिस्प्ले करवाए गए हैं पहले, जैसे पिछले प्रोग्राम में थे योर ऑप्शंस। अब की बार 1, 2, 3 के स्थान पे हमने करेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। प्रेस W फॉर विड्रॉल, प्रेस D फॉर डिपॉजिट, B फॉर बैलेंस इंक्वायरी, M फॉर मिनी स्टेटमेंट, और उसके पश्चात स्कैनएफ के द्वारा यूजर की चॉइस को एक्सेप्ट किया गया है। अब हम इस तरफ स्विच वाले मेन सेक्शन में देखते हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो केसेस हैं वहां 1, 2, 3 के स्थान पर W, D, B और M का प्रयोग किया गया है। जब यूजर चॉइस को एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग स्विच उसे डिटेक्ट करेगा और उस चॉइस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करेगा। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाती स्विच को, तो फिर डिफॉल्ट ऑप्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट है रॉन्ग ऑप्शन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइल ओपन, हमारे पास स्विच 2.c है, हमारे पास ओपन कर लेते हैं हम इसे और F5 से फुल स्क्रीन कर लेता हूं यहाँ पे मैं। यदि आप यहाँ देखें तो फिर से वही प्रोग्राम हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें यहाँ यदि आप ध्यान दें W, D, B और M इन करेक्टर्स की चॉइस अवेलेबल करवाई गई है। और इसके लिए क्योंकि हमें करेक्टर स्टोर करना है, हमने एक चॉइस वेरिएबल लिया है जो करेक्टर डेटा टाइप का है, उसको हम स्विच ब्लॉक को साइन करते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारा ये मेन सेगमेंट है, जिसमें यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला केस है W, दूसरा केस D है, तीसरा केस B है, फोर्थ केस, चौथा केस M है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि करेक्टर है तो इसलिए हमने सिंगल कोट एक पहले और सिंगल कोट बाद में प्रयोग किया है, उसके पश्चात डबल कॉलन का यूज किया है और हर केस के बाद हमने ब्रेक का प्रयोग किया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के द्वारा। देखिए आपके पास पहले मैसेजेस अवेलेबल हो गए हैं, W फॉर विड्रॉल, D फॉर डिपॉजिट, B फॉर बैलेंस इंक्वायरी, M फॉर मिनी स्टेटमेंट।
यहाँ पे मैं W प्रेस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखिए हमारा विड्रॉल ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। फिर से कंट्रोल F9, अब की बार मैं M प्रेस कर देता हूँ। देखिए मिनी स्टेटमेंट वाला मैसेज प्रिंट हो गया है। और अब की बार लास्ट टाइम फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और अब की बार कुछ और ऑप्शन दे देता हूँ जो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अब की बार मैं यहाँ पे अलग करेक्टर दे देता हूँ जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है जो कि रॉन्ग ऑप्शन को प्रिंट करवा रहा है। इस प्रकार हम स्विच का प्रयोग करेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ स्विच के एक और एग्जांपल को देखते हैं जिसमें स्विच 3.c हमारी फाइल का नाम है। हम यहाँ पे एक से अधिक करेक्टर्स के आधार पे अपनी चॉइस का चुनाव करना चाहते हैं। देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सेम है लेकिन हमने यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए हैं यूजर को, चाहे वो स्मॉल लेटर में W प्रेस करे या वो कैपिटल लेटर में W प्रेस करे, दोनों स्थितियों में उसकी चॉइस सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह छोटे डी और बड़े डी के लिए, छोटे बी और बड़े बी के लिए, छोटे एम और बड़े एम के लिए भी हमने यहाँ पे प्रिंटिंग मैसेज दे दिया है। वेरिएबल हमारे पास चॉइस ही है जिसको हमने स्विच में पास किया है। यहाँ केसेस में थोड़ा सा भिन्न है। इस सेगमेंट को देखें आप, यहाँ पे यदि केस W हो अर्थात यदि केस स्मॉल W हो तो भी, और यदि केस कैपिटल W हो तो भी। इसका अर्थ ये हुआ वो कोई भी W डाले चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी इन दोनों के नीचे जो स्टेटमेंट अवेलेबल है। इसका कारण ये है कि हमने स्मॉल W के केस में ब्रेक नहीं दिया, इस कारण W और बड़े W में इसी ऑप्शन का चुनाव किया जाएगा। और इसी तरह से D और बड़े D में, B और बड़े B में, M और बड़े M में। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल कैरेक्टर्स चॉइस को भी प्रयोग कर सकते हैं स्विच में। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम इसके लिए हम फाइल पे ओपन करते हैं स्विच 3.c। यहाँ पे हमारे पास पहले से प्रोग्राम अवेलेबल है, वही प्रोग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे केसेस में दो केसेस डिफाइन किए गए हैं एक साथ। उन दोनों केसेस में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का फर्क है, लेकिन दोनों चॉइसेस में से कोई भी चॉइस देने पर यूजर के पास इस केस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9, जैसे ही स्मॉल W डालते हैं, देखिए आपके पास पहला केस सिलेक्ट हो गया है। फिर से कंट्रोल F9, अब की बार कैपिटल W डाल देता हूं, सेम केस सिलेक्शन में है। तो इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास कि हम एक साथ काफी सारे कैरेक्टर्स को यहां दे सकते हैं विदाउट ब्रेक। और इस तरह से इन सभी केसेस जिनमें ब्रेक नहीं है वो सभी केसेस एक ही स्टेटमेंट या एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे जब तक के ब्रेक नहीं मिल जाता। इस प्रकार से हम स्विच का प्रयोग कर सकते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स की चॉइस के साथ।